कुछ लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं पर क्यों? स्क्रीन पर डबल टैप करके इस 3D एनिमेटेड वीडियो से समझो कि चक्कर क्या है। पहले ये माना जाता था कि इस बात का कनेक्शन हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर में से किसी एक के स्ट्रांग होने की वजह से है। अब क्योंकि लेफ्ट ब्रेन राइट साइड में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही राइट ब्रेन लेफ्ट साइड में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसका मतलब अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर स्ट्रांग होगा तो इंसान राइट हैंडेड, और राइट हेमिस्फीयर स्ट्रांग होने पर इंसान लेफ्ट हैंडेड होना चाहिए। मगर रिसर्चेस में ये सामने आया है कि 70% लेफ्ट हैंडर्स लेफ्ट ब्रेन ही यूज करते हैं, बिल्कुल राइट हैंडर्स की तरह। तो फिर कौन डिसाइड करता है? रिसर्च से पता चला है कि ऐसे 4 लोकाई यानी जीन के पॉइंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि इंसान राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड। जेनेटिकली देखा जाए तो अगर आप दोनों पेरेंट से डी जीन लेते हैं तो आप राइट हैंडेड होंगे, जबकि एक पेरेंट से सी और दूसरे पेरेंट से डी लेने पे राइट हैंडेड होने की सियोरिटी कम हो जाती है। मगर दोनों पेरेंट से सी जीन लेने पर भी राइट हैंडेड व लेफ्ट हैंडेड होने से 50-50 चांस रहेंगे। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिंड कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।